व्यवस्थाओं में सर एक साथ क्या है, एक साथ लोगों ने क्या है कि समझाने के बावजूद ही यहाँ आगमन कर दिया। हालांकि हमने लोगों को कहा था कि आप तीन तीन स्लॉट मैंने समझा दिया कि 12 बजे के बाद आओ, 3 बजे के बाद आ जाओ, लेकिन हम लोग तो है कि ये ख़त्म होने का डर है ना कि वैक्सीन कहीं ख़त्म नहीं हो जाए। हमने उनको आश्वस्त भी किया है कि वैक्सीन पर्याप्त है और समय के अनुसार जिसको फर्स्ट लगी है उसको सेकंड भी लगेगी, ये बिल्कुल आश्वस्त किया है। नहीं वैसे नहीं आएगी क्योंकि, लेकिन एक साथ एक 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 संस्था की कोई कैपेसिटी होती है, अगर वो 200 से 400 से डबल हो जाएगी तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें हाँ पंजीकरण का इसका ये है कि जिनका जिसको कोवैक्सीन लगी उसको पता नहीं कि मेरे को कोवैक्सीन लगी कोविशील्ड लगी, तो वो वेरिफिकेशन के लिए हमने दो दो टीम लगाई है। कोविशील्ड की डोज लगाई है हमारे और मैं सुबह 8 बजे से लाइन में खड़ा हूँ और भुजिया बाजार डिस्पेंसरी के अंदर जो अव्यवस्था है वैसी अव्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे बैक डोर एंट्री हो रही है और अपने चहेतों को पहले अंदर बुला लिया जाता है और उनके पहले वैक्सीन लगाई जा रही है। पब्लिक है कोई व्यवस्था नहीं है, सीनियर सिटीजन की कोई व्यवस्था नहीं है, सीनियर सिटीजन खड़े हैं लेकिन दूसरे आदमियों को बुला बुला के पहले लगाए जा रहे हैं। कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है सरकार के। दूसरी अव्यवस्था यहाँ पे जो कोरोना की जाँच के लिए जो आ रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, वो संक्रमित उसी लाइन में साथ में है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई संक्रमित है तो जो स्वस्थ खड़े वो भी संक्रमित हो सकते हैं उससे, या तो यहाँ से प्रसाद लेके जाएंगे यहाँ देके जाएंगे, दोनों में से कुछ काम होगा। व्यवस्था व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है हॉस्पिटल, इतना कोविड अगर फैल जाएगा मतलब कोई पता ही नहीं है। 2 घंटे से हम खड़े हैं, 2 घंटे से नंबर आए, मैं मेरी वाइफ और माता राम का तो इन्होंने लगा ही नहीं, वो वर्ध आदमी है, बोल रहे अभी टीके नहीं है, ख़त्म हो गए, कल आना, बाद में आना, माता राम के लिए ऐसे बोल रहे हैं वो लोग, सब अपने अपने आदमियों के लिए लगा।